हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीएसआईआर नेट एग्जाम मैथमेटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा यूनिट 1 में पूछा जाता है और ये पार्ट बी एंड पार्ट सी दोनों में होता है। दैट मीन्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे और 4.75 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं लीनियर एल्जेब्रा से। और अगर हम लोग टोटल बोलें तो अराउंड 80 to 85 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। दैट मीन्स लीनियर एल्जेब्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे नेट एग्जाम के लिए और ये काफ़ी इजी भी होता है, बहुत हार्ड नहीं है। अगर हम लोग इसके ऊपर अच्छे से फोकस करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो ईजिली बन जाएंगे। तो लीनियर एल्जेब्रा में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैट्रिसेस हैं, फिर वेक्टर स्पेस हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, बायलिनियर फॉर्म है, तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैट्रिसेस। सो लेट्स बिगिन। हम लोग यहाँ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एक्सेट्रा। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लाइक आयरन पोटेंट मैट्रिसेस, इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस, यूनिटरी मैट्रिसेस, निलपोटेंट मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, इन सब के डेफिनेशंस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीएसआईआर नेट एग्जाम में आते हैं। और फाइनली ये सारे टॉपिक्स होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इन टॉपिक्स के ऊपर होंगे। तो आज के वीडियो में ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। फिर ये टॉपिक्स खत्म होने के बाद हम लोग आइजन वैल्यू प्रॉब्लम्स में एंटर करेंगे। सो हम लोग सबको डेफिनेशन तो पता ही है मैट्रिक्स का कि इट इज अ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ mn नंबर्स। द नंबर्स कैन बी नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स जो एंट्रीज हैं। और ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी एक फॉर्म में हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम लोग एक मैट्रिक्स को देखें तो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो सारे कॉलम्स हैं। तो ये m कॉलम्स है, फर्स्ट सॉरी रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सिमिलरली m रो, mth रो। और जो वर्टिकल होते हैं वो हो गए हम लोगों के कॉलम, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसी तरह से ये हो गया कॉलम n। सो इस मैट्रिक्स में हम लोगों के पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? mn, m by n मैट्रिक्स। तो अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम हैं तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3/4 मैट्रिक्स। इट हैज 3 कॉलम्स एंड 4 रोज। जो हॉरिजॉन्टल है वो रोज और जो वर्टिकल है वो कॉलम्स। मैट्रिक्स को हम लोग a इक्वल टू aij m by n से रिप्रेजेंट करते हैं। I का रेंज होगा 1 to m एंड j विल बी फ्रॉम 1 to n। तो हम लोगों के पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। यहाँ इस एग्जाम्पल में 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स है, तो ये एक 3/4 मैट्रिक्स है। फिर सेकंड डेफिनेशन है हम लोगों का नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब क्या? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज जीरो हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, m बाय n, जितना भी ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का। तो ये हम लोगों के पास एक 2/3 का नल मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्रीज जीरो हैं। फिर है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। अगर एक मैट्रिक्स में एग्जैक्टली 1 रो है बट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो उसे रो मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ये हम लोगों का एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो है एंड देयर आर 3 कॉलम्स, सो इट इज अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। फिर है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, जिसमें एग्जैक्टली 1 कॉलम होंगे बट एनी नंबर ऑफ रोज, लाइक दिस वन, देयर आर 3 रोज एंड एग्जैक्टली 1 कॉलम, सो इट इज अ 3/1 मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उन दोनों का ऑर्डर इक्वल रहेगा। एंड अगर हम लोगों के पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, देन ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे। दैट मीन जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेम होने चाहिए, तभी कोई दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं।
देन वी हैव एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. एडिशन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो अगर हम लोगों के पास एक ए और एक बी दो मैट्रिक्स हैं, तो हम लोगों का सी जो मैट्रिक्स है वो हम लोग ए प्लस बी करके ला रहे हैं, तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, सी आई जे एम बाई एन. और ये सी आई जे एक्चुअली है क्या, ये ए आई जे प्लस बी आई जे है फॉर ऑल आई जे. तो इस तरह हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं. फिर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. तो हम लोगों के पास यहाँ एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन की और एक स्केलर है के. तो हम लोग को के इंटू ए करना है. तो के इंटू ए करेंगे, डेट मीन्स हम लोग मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ प्रॉपर्टीज हैं कि के इंटू ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी, के वन के टू इंटू ए विल बी इक्वल टू के वन इंटू के टू ए. इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. फिर माइनस ए अगर है तो वो हो जाएगा माइनस वन इंटू ए, जिसको हम लोग ए इंटू माइनस वन आइदर लेफ्ट और राइट रख सकते हैं, बोथ आर इक्वल. फिर हम लोगों के पास है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो जाए, दैट मीन्स इफ वी हैव एम इज इक्वल टू एन इन द मैट्रिक्स, देन सच मैट्रिसेस आर नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स. तो जैसे हम लोगों के पास ये एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन बाई एन हम लोग बोल सकते हैं. तो अगर ये एन बाई एन ऑर्डर का है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर. और नंबर ऑफ डायगनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इन स्क्वायर मैट्रिक्स. डायगनल एलिमेंट मतलब क्या, अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग देखें तो ये जो एलिमेंट्स है अलोंग द डायगनल, जिसमें आई एंड जे बोथ आर इक्वल, लाइक ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री अप टू ए एन एन, दीज आर नोन एज द डायगनल एलिमेंट्स. तो कितने डायगनल एलिमेंट रहेंगे, हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डायगनल एलिमेंट्स विल बी एन. फिर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स का फॉर्म है, इसमें हम लोग डायगनल एलिमेंट्स के अलोंग अगर जाएं तो यहाँ आई इज इक्वल टू जे होगा एंड दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल डायगनल लाइन. इसके ऊपर अगर जाते हैं तो ये हो जाएगा सुपर प्रिंसिपल डायगनल लाइन, जहां पर जे इक्वल टू आई प्लस वन, उसके ऊपर सुपर सुपर डायगनल लाइन जे इक्वल टू आई प्लस टू, एंड सिमिलरली जो सबसे ऊपर है वहां हो जाएगा जे इक्वल टू आई प्लस एन माइनस वन. और अगर हम लोग इसी तरह प्रिंसिपल डायगनल के नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का सब प्रिंसिपल डायगनल लाइन, यहाँ पर i इक्वल टू जे प्लस वन, उसके नीचे सब सब डायगनल है i इक्वल टू जे प्लस टू एंड सो ऑन, ये नीचे आएगा. तो अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात करें तो अलोंग द प्रिंसिपल डायगनल लाइन देर आर n नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके ऊपर n माइनस वन, फिर n माइनस टू एंड सो ऑन, और नीचे आएंगे तो फिर हम लोगों का हो जाएगा n माइनस वन n माइनस टू एंड सो ऑन, वो डिक्रीज होते जाएगा. तो अगर इससे हम लोग समराइज करें तो हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है अलोंग द प्रिंसिपल डायगनल लाइन i इक्वल टू जे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे n, उसके ऊपर i इज लेस देन जे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इंटू एन माइनस वन बाय टू, और हम लोग नीचे आए तो i विल बी ग्रेटर देन j एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अगेन n इंटू एन माइनस वन बाय टू. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट फिर एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है. अब हम लोग क्या करेंगे कि इस डायगनल के अलोंग जाएंगे, तो इसे बोलते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगनल लाइन, जहां i प्लस जे इक्वल टू एन प्लस वन होता है, उसके ऊपर कितने एलिमेंट्स होंगे i प्लस जे इक्वल टू एन, ये डिक्रीज होते जाएगा. फिर i प्लस जे इक्वल टू एन माइनस वन, सिमिलरली ऊपर आएगा i प्लस जे इक्वल टू थ्री, फिर i प्लस जे इक्वल टू टू. और अगर हम लोग इस लाइन के नीचे आए तो हम लोगों का हो जाएगा i प्लस जे इक्वल टू एन प्लस टू, आई प्लस जे इक्वल टू एन प्लस थ्री, मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है, और फाइनली हम लोगों के पास आएगा i प्लस जे इक्वल टू टू एन. तो ये n बाई एन मैट्रिक्स है. तो ये रेंज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ये रेंज कर रहा है फ्रॉम टू 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 एन. सम जो i प्लस जे का जो सम होगा दैट रेंजेस फ्रॉम टू 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 एन. तो डिस्टिंक्ट कितने हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे 2n माइनस 1. ओके,
हमारे पास एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, द नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विच लाइज अलोंग नॉन प्रिंसिपल लाइन. मतलब अगर हम लोगों का एक एन बाई एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कितने डायगोनल एलिमेंट होंगे जो कि नॉन प्रिंसिपल लाइन के अलोंग लाई करेंगे. ठीक है, तो ऑर्डर तो हम लोगों को पता है एन है. डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, आई शुड बी इक्वल टू जे, एंड नॉन डायगोनल मतलब होता है आई प्लस जे इज इक्वल टू एन प्लस वन. अगर इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो हम लोगों के पास वैल्यू आएगा आई इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू. नाउ दिस क्वांटिटी विल हैव यूनिक सोल्यूशन इफ एन इज ऑड एंड विल हैव नो सोल्यूशन इफ एन इज इवन. ये हम लोगों को पता है. तो एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लोग ए सेवन बाई सेवन लेते हैं, हियर एन इज सेवन विच इज ऑड, यहाँ पुट करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू फोर आया, यूनिकनेस हुआ यहाँ पर. और अगर हम लोग एक इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं एन इज इक्वल टू एट, तो यहाँ पर नाइन बाई टू इट हैज नो सोल्यूशन बिकॉज इसका वैल्यू क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा, फोर एंड हाफ, तो इट विल हैव नो सोल्यूशन. तो वॉट वी कैन कंक्लूड इज दैट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, द नंबर ऑफ डायगनल एलिमेंट्स विच लाई अलॉन्ग नॉन प्रिंसिपल लाइन इज आइदर वन और जीरो अकॉर्डिंग एज एन इज इवन और ऑड. एन अगर इवन है तो वन, एग्जैक्टली वन, और अगर एन अगर ऑड है तो एग्जैक्टली वन, और एन अगर इवन है तो देयर विल बी नो एलिमेंट्स. ऑलराइट, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. द क्वेश्चन सेज दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इन विच ए पी क्यू इक्वल टू ए आर एस whenever p plus q equal to r plus s, ये कितने होंगे, ये हम लोगों को फाइंड करना है. तो ये एक कंडीशन यहाँ दिया हुआ है. अब अभी अभी हम लोगों ने थ्योरी देखा कि सम ऑफ रो नंबर एंड कॉलम नंबर एट एनी प्लेस इन मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n वेरीज फ्रॉम 2 टू 2n, और कितने डिस्टिंक्ट होते हैं, 2n माइनस 1 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर जहाँ ये कंडीशन दिया है वो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1. ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही है. फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ नया वीडियो रहेगा. टिल देन थैंक यू.